तो भाई हम लोग तो आ चुके हैं, हम और सुबोध भाई यहाँ इधर लक्ष्मण किला के अंदर, राम ये जो रामलीला हो रही है ये लक्ष्मण किला के में हो रही है। हम लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा सीन यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई है, यहाँ पर पुलिस फोर्स मुझे लगता है पूरी की एक पूरी बटालियन ही यहाँ लगा दी गई है, और काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पुलिस के हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई है और यहाँ पर बिना सिक्योरिटी चेक के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। एक्चुअली हमें भी यहाँ पर हेलमेट लाने से मना किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, उसके बाद हम लोग को यहाँ आने जाने दिया गया। प्रभु मैंने एक पत्थर यहां से उठाया और ये प्रभु मैंने एक पत्थर यहां से उठाया, प्रभु पत्थर मेरे भारी प्रभु, इतना प्रयत्न करने के बाद जब मुझे एक भी जामुन प्राप्त ना हुआ तो जानते हैं प्रभु मैंने क्या किया? क्या किया भक्त सुदीक्षण? प्रभु मैंने जो किया सो किया, परंतु आप काहे रुक जाते हैं? चलते आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए चलते आइए प्रभु, आइए चलते आइए, आइए प्रभु सुदीक्षण। और कितना दूर है? प्रभु जामुनों की वर्षा हो गई, तो प्रभु मैंने उन जामुनों को खाकर अपनी भूख मिटाई, मैं बहुत ही घबरा गया। मैंने सोचा अब गुरुजी मुझ पे बड़े रुष्ट होंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार एक बड़े जामुन को उठाया और ठाकुर जी का रूप दे दिया और आश्रम की ओर चल दिया। प्रभु है तो चल दिया, परंतु आप कहाँ रुक गए? आइए प्रभु चलते आइए, आइए ठाकुरान जी, छोटे ठाकुर जी आइए, आइए प्रभु। मुरत श्रुति क्षण गुरु पाय गए वो करी दंडवत कहते अस भय सिया राम भाई जरा हेलमेट ले लो, भाई जरा हेलमेट ले लो, हेलमेट निकल यहाँ से। गुरुजी आज आप मुझ पे रुष्ट ना होइए, क्योंकि आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। कैसा नवीन समाचार? आज मैं साक्षात ठाकुर जी को, ठाकुराइन जी को और छोटे ठाकुर जी को लाया हूँ। ठाकुर जी पधारे हैं? हाँ गुरु जी। पुत्र सुदीक्षण हमें शीघ्र ही उनके समीप ले चलो। आइए गुरु जी। अगस्ती तो रटे उठे धाये हरि मिलो मिलो चले चले चले। पधारे पधारे रघुनाथ जी। प्रणाम मुनिवर। आयुष पद कमल कहे दो भाई राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम राम।
आश्रम को पवित्र कर। पुत्र सुदीक्षण जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु राम के लिए शीघ्र जाकर कंदमूल हल्ले कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे रघुवीर जी, अपनी इस लीला का कारण तो बताइए। हे मुनिराज जी, आपसे कुछ नहीं छिपाए, आप मेरा आगमन भली भांति जानते हैं। आप मुझे निर्देश दीजिए कि अब हम भाई देखिए, आप लोगों को जो जो लोग घर से देख रहे होंगे उनको बेटर रिव्यू एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, जितना मैं नहीं दे सकता उससे ज़्यादा बहुत अच्छा मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर लाइव देखने का मज़ा जो है वो टीवी में टीवी सेट के सामने बैठकर नहीं आता, तो इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर और अच्छा भी फील हो रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट, आपको यहाँ पर जो सामने जो मंडप लगा हुआ है, पूरा मंच लगा हुआ है रामायण का, उसमें असली बंदर ऊपर टहला, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखिए वो टहला, वो लक्ष्मण। कल्याण आगे बहुत स्कोर। प्रणाम मुनि। आयुष श्रृंगार करेंगे। दोस्तों ये जो सीन चल रहा था उसको देख कर मेरे पास में बैठा है एक बच्चा है, उस कौवे की नकल कर रहा है, दिखाता हूँ आपसे। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, इधर देखो अंकल तरफ। वो कौवा कैसे कर रहा था, कौवा कैसे कर रहा था वो? हाँ
फिर से करके दिखाओ एक बार और। हाँ तो भाई साहब असली रामलीला तो यही एंजॉय कर रहा है ये बच्चा ही। मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ पुत्र जयंता, तुम इतने परेशान और व्याकुल क्यों? हे भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ पंचवटी जा पहुंचा। वहां प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। तो मैंने प्रभु राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए और अपनी चोट माता जानकी के पैरों पे दे मारी। यही देख क्रोधित होकर प्रभु ने मुझ पर बिना फल का वार मार दिया। तभी से मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। मेरी सहायता कीजिए भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। यह तुमसे बहुत घोर अपराध हुआ है। तेरी वजह से मेरी पूरी कैलाशपुरी जले जा रही है। जा, भाग जा यहाँ से। हे पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। ये तुम्हारी इसमें क्या दुर्दशा की? हे पिताश्री, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ पंचवटी जा पहुंचा। वहां पर प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। सो मैंने प्रभु राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए और अपनी चोंच माता जानकी के पैरों में दे मारी। ये देख प्रभु क्रोधित होकर प्रभु ने मुझ पे बिना फल का वार मार दिया। तभी से मैं जला जा रहा हूँ, जला जा रहा हूँ। मेरी सहायता कीजिए भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। भोलेनाथ बोल रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है। ये तो तुमने भोलेनाथ बोल रहा है। जा, भाग जा यहाँ से। यहाँ लगी रामलीला चल रही भाई। मेरी सहायता कीजिए। अरे पुत्र जयंता, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? मुनिवर, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ पंचवटी जा पहुंचा। वहां पर प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। तो मैंने प्रभु राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए और अपनी चोट माता जानकी के पैरों में दे मारी। नारायण नारायण नारायण। अरे देख प्रभु क्रोधित होकर प्रभु ने मुझ पे बिना फल का वार मार दिया। तभी से मैं जला जा रहा हूँ, जला जा रहा हूँ। हे मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। नारायण नारायण नारायण। अरे पुत्र जयंता, यह तो तुमने बड़ा ही घोर अपराध किया है। जो प्रभु श्री राम जी के प्रताप को नहीं जाना। पुत्र जयंता, तुम शीघ्र ही प्रभु श्री राम जी की शरण में जाओ और उनसे अपने इस घोर अपराध के लिए क्षमा मांगो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। नारायण नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। आओ
काट लेना आपको। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जयंता, तुमने सच में घोर अपराध किया है, जिसका फल तो तुम्हें अवश्य भोगना होगा। दोस्तों, इस समय जो यहाँ पर बैक स्टेज में जो इसके जो चल रही है तैयारियाँ अगले सीन के लिए, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ लक्ष्मण जी जो बने हुए हैं, वो अपने स्क्रीन पर आने के लिए जो परमिशन मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो। ये एक्सपीरियंस आप भाई साहब घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यहाँ पर ही आना पड़ेगा। हमारे साथ नन्ने मुन्ने दोस्त भी हैं भाई साहब। ए बेटा, हेलो अंकल, हाय कर लो। कैसा लग रहा है? हाय हाय, कैसा लग रहा है बता दीजिए। क्या क्या देखा आपने? क्या क्या देखा? हाँ, मंकी देखा, बस मंकी देखा, कौवा नहीं देखा? काव-काव कर रहा था ना। काव-काव कर रहा था। इस समय नए सीन की तैयारी चल रही है, मुझे लगता है कुछ नए सीन की प्रेजेंटेशन के लिए अभी रोका गया, थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ है, रामलीला में लग गया था। नहीं, वो सोपनखा है, सोपनखा है। क्या मौसम है, क्या बहार है। आज तो पंचवटी की शोभा वैकुंठ से भी बढ़कर लगती है। यार भाई, इनका आंटी जी को थाता है यार, वो थोड़ा सा नोजा बस चलते हैं। अरे अम्मा जी, काहे आएगा वो सामने। दो मानो दीपक क्या बोले? अरे तीन मानो आ,
तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर जो है रामलीला एंजॉय की, और यहाँ पर डेफिनेटली आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको यहाँ पर आकर जो बैक स्टेज की जो प्रिपरेशन है और यहाँ पर आकर जो डायरेक्ट देखने का जो अनुभव है वो अलग ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आकर अच्छा लगा वो अलग ही है। और यहाँ पर जो सीन है, दो सीन यहाँ पर जो है दिखाए गए, तीन सीन एक्चुअली, और इसमें से पहला तो ये था जिसमें कि जी अगस्त मुनि से मिलना था राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का, और दूसरा था जिसमें जो कौवे ने सीता जी को चोंच मारा था वो सीन था, और तीसरा सीन जो अभी चल रहा है प्रेजेंटली जब शूर्पनखा लक्ष्मण को देखती है वो वाला सीन चला था। तो दोस्तों हम लोगों ने तो एंजॉय कर लिया इसको, आई होप मैंने जो आपको जो दिखाया है आपने भी एंजॉय किया होगा, लेकिन इसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो मैं बाहर निकलता हूँ तो उसके बाद जो है आपसे बात करता हूँ। तो भाई जब मैं आ रहा था यहाँ से वापस लौट कर, तो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ के जो क्या नाम है बाउंसर टाइप के, जो बॉडी गार्ड टाइप के जिन लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मुझे एक ने रोक लिया और मुझसे क्वेरी करने लगा कि आप जो हैं कौन से चैनल से हैं और मुझे अपना चैनल बताइए। तो मैंने उनको कार्ड दिया है अपना, और ताकि वो अपना देख के जान सके कि मैं कौन से उससे हूँ मैं चैनल से। तो भाई उनकी ड्यूटी है, उनको करना बनता है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस घर की ओर, मैं जाऊंगा घर पे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था, वाइफ की तबीयत नहीं सही है और बच्चे की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ वापस। तो सुबोध भाई कैसा लगा बोर होके मेरे साथ? बहुत अच्छा लगा, बोर होके बहुत अच्छा लगा भाई साहब इनको, ये पहले आदमी ऐसे होंगे इनको बोर होके बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई एक बात बताएं, इनसे हम 2-3 साल से टच में हैं, लेकिन ये जानते हैं ये हमारे साथ क्या किए हैं? ये हमारे साथ ही किए हैं, ये हमारे वीडियो ही नहीं देखते हैं, बताइए। ये हमसे आते समय कह रहे नागेश्वर नाथ मंदिर के वीडियो बनाइए भाई। हमने कहा भाई साहब 2-2 वीडियो बने हुए हैं, आप देख तो लिया करो। तो ऐसे तो ये भी विभीषण है भाई साहब, ये भी विभीषण है। तो ऐसे विभीषणों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलो चलिए भाई साहब, ये सब मजाक की बातें हमारे दोस्तों के बीच में चलती रहती हैं, जैसे आप सभी की चलती होंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हों। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नए एपिसोड में, तब तक के लिए मैं धीरेन्द्र सिंह विदा लेता हूँ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।